हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें हमने नॉमनक्लेचर डिस्कस किया अल्केन का, सब्स्टिट्यूटेड अल्केन और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया जो नॉमनक्लेचर साइक्लिक का, स्पायरो का, बाईसाइक्लो का, अल्कीन का और अल्काइन का। और फिर हमने क्वेश्चंस में मिक्सिंग भी की, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अल्कीन और अल्काइन दोनों प्रेजेंट हैं इनका नॉमनक्लेचर भी हम लोगों ने किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन कंपाउंड्स का नॉमनक्लेचर जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हमें जो सफिक्स सेकेंडरी है इसका यूज करना होता है। आज हम लोग फोकस करेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप के नॉमनक्लेचर जिन फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन पहले से प्रेजेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, sp2 कार्बन जो ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है और इसमें अगर अपन देखें एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनके लिए जब हम सफिक्स सेकेंडरी काम में लेते हैं, ओके, तो सफिक्स सेकेंडरी दो तरीके से लिखा जा सकता है, कब क्या यूज होगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो सफिक्स सेकेंडरी काम में लेते हैं दैट इज ओइक एसिड, या फिर हम यूज करते हैं इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ओइक एसिड तब हम काम में लेते हैं जब ये कार्बन मेन चेन का पार्ट है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है अगर वो मेन चेन का पार्ट है। ठीक है, व्हेन कार्बन इन मेन चेन तो हम ओइक एसिड काम में लेते हैं, और जब कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है, ठीक है, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इसके लिए प्रीफिक्स भी काम में लेते हैं। जो हम प्रीफिक्स लिखेंगे देन वी विल यूज कार्बोक्सी, तो प्रीफिक्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो कार्बोक्सी काम में लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी कंपाउंड का नॉमनक्लेचर करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप है तो हम वो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के लिए जब हम चेन सेलेक्ट करेंगे तो चेन कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, COH ग्रुप मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है। अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो इस तरह से करते हैं जिससे कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हो जाएगा 3-methyl, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में 5 है, तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सफिक्स प्राइमरी हो जाएगा एन, फर्स्ट पोजीशन पर कार्बन इंक्लूड कर लिया है तो हम इसे लिखेंगे ओइक एसिड, और ई को हम क्या करेंगे यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे क्योंकि ई के बाद ओ आ रहा है, हमने डिस्कस किया था ई के बाद ए आई ओ यू या वाई आता है तो हम ई को हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेकंड कोई क्वेश्चन हम देखते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए भी अगर अपन बात करें यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिससे कि मेन चेन में COH इंक्लूड हो जाए और उस कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर भी मिले। यहां पर अगर अपन नेमिंग करते हैं तो नेम इसका हो जाएगा 4,4-dimethyl पेंट इन 1-OH एसिड। ओके, और इस लेटर ई को हम स्ट्राइक आउट कर देंगे क्योंकि ई के बाद ओ इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें साइक्लिक सिस्टम दिया हुआ है, ओके, या अगर हम ऐसे कंपाउंड्स पहले डिस्कस करते हैं जिनमें मल्टीपल नंबर में COH है, जैसे फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो दो COH ग्रुप्स हैं, यहां से अगर अपन नंबरिंग करते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, वर्ड रूट विल बी प्रॉप इन 1,3-dioic एसिड। तो
तो ई के बाद डी आ रहा है, तो हम ई को यहां से स्ट्राइक आउट करेंगे या नहीं? अगर ई के बाद ए आई ओ यू वाई आता है तो हम ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, लेकिन अगर ई के बाद डी आ रहा है तो हम इसको ई को स्ट्राइक आउट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर अपन यहां पर देखें, इसका अगर अपन नेमिंग करते हैं, यहां पर देखें अगर अपन नंबरिंग करते हैं, यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, बात बराबर ही है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव। पहले हम कोट करेंगे इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है, फिर हम कोट करेंगे मिथाइल, ठीक है, और इसके बाद कोई लेटर्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आएगा वर्ड रूट पेंट इन 1.5 डाय ओइक एसिड, ओके। जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, ओके यहां अगर अपन देखें तो ये जो COH ग्रुप्स हैं इनको हम इंक्लूड अगर करते हैं तो ये साइड चेन में चला जाएगा। तो जो ओल्ड नॉमनक्लेचर था इसके लिए, अगर हम इसे साइड चेन में ले रहे हैं तो एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे द नेम विल बी 3-carboxy pent in 1.5-dioic acid। बट ये ओल्ड नॉमनक्लेचर है, बट ये तीनों COH ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज तो सेम ही होगी, तो इन ऑर्डर टू गिव देम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव देम आइडेंटिकल वेटेज, हम क्या करते हैं तीनों को ही बाहर कर देते हैं, मतलब जो नंबरिंग की जाती है उसमें इनके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो ये तीनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हुए मेन चेन के अकॉर्डिंग, और ऐसे में हम इन्हें ओइक एसिड नहीं लिखते हैं। जो न्यू नॉमनक्लेचर है इसमें हम इसका नाम लिखते हैं प्रॉप इन 1.2.3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जब हम मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे कार्बन को तो ओइक एसिड लिखेंगे, और जब मेन चेन में कार्बोक्सी वाले कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। जब नहीं कर रहे हैं तो ये बाहर जा रहा है, और बाहर जा रहा है तो प्रीफिक्स में जाएगा कार्बोक्सी की तरह, लेकिन अगर मेन चेन में तीनों को इंक्लूड कर नहीं कर रहे हैं तो तीनों सफिक्स सेकेंडरी में जाएंगे, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिखा, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि कब हम ओइक लेंगे, कब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, और कब हमें कार्बोक्सी लिखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, यह आप लोग अटेम्प्ट करिए। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करिए।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। ओके तो नंबरिंग के बाद ये दोनों कार्बन एटम बाहर हैं, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1.3 डाय। क्या लिखेंगे आगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अगर अपन देखें तो हम इसको मेन चेन ले सकते हैं, ये दोनों कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये दोनों कार्बन क्योंकि मेन चेन में आ चुके हैं, ठीक है, तो हम नाम यूज करेंगे ओइक एसिड, ठीक है। तो जो वर्ड रूट होगा दैट विल बी ब्यूट एन 1.4 डाय ओइक एसिड, और ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट नहीं करेंगे। ओके यहां पर अगर अपन देखें इसको मेन चेन मानते हुए, फर्स्ट नंबर इसको देंगे लोएस्ट पॉसिबल नंबर, सेकेंड थर्ड फोर फाइव एंड सिक्स, तो नाम इसका हो जाएगा 3.3 डायमिथाइल साइक्लो हेक्स एन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो 3.3 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां अगर अपन देखें स्पायरो कंपाउंड है, स्पायरो कंपाउंड में हम इस तरह से नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, इसमें स्मॉलर पाथ पहले कवर होगा, तो इसका नाम हो जाएगा स्पायरो 3.4 ऑक्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, नेमिंग कुछ इस तरह से करेंगे। ओके तो इसमें दोनों तरफ जो रूट्स हैं वो सेम है, पाथ सेम है, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 4.4.0 डेक एन, सॉरी डेक क्या होगा इसमें, 3-1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके क्वेश्चन नंबर 11 आसान क्वेश्चन है। नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 5.5 डायमिथाइल हेप्ट 7 कार्बन एटम 3-1 ओइक एसिड, और इसमें ई हटा देंगे। सो क्या लिखेंगे? 5.5 डायमिथाइल हेप्ट 3-1 ओइक एसिड, और ई स्ट्राइक आउट हो जाएगा। यहां पर अगर अपन बात करें तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। ओके एंड नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3-propyl प्रोप एन 1.3 डाय ओइक एसिड, डाय ओइक एसिड। ओके इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो किसी भी हालत में हम इसको मेन चेन में ले ही नहीं सकते, तो ऐसे केस में हम इसे बाहर रखते हैं मेन चेन से, और इसको एज ए प्रीफिक्स नाम दिया जाता है। तो नाम देने के लिए हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करें। सो दिस विल बी कार्बोक्सी मिथाइल, और ऐसे लिखेंगे इसको 2 कार्बोक्सी मिथाइल, 2 कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लो हेक्स एन 1.4 डाय कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड। आपने देखा यहां पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ रहा है इन दोनों को, और इसको प्रीफिक्स में ही ले जाएंगे। अगर यहीं से जुड़ा होता COH तो हम इसे सफिक्स सेकेंडरी में कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते ट्राई करके, मगर ये बाहर है CH2 से जुड़ा है, तो प्रीफिक्स में लिखेंगे एस कार्बोक्सी मिथाइल। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, सफिक्स सेकेंडरी, कब कार्बोक्सी लेंगे, कब ओइक एसिड लेंगे, और कब हमें प्रीफिक्स लिखना ही पड़ेगा। ओके तो इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको डॉन ग्रुप्स कहा जाता है। इनमें पहले से कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन इंक्लूड करने पर सफिक्स सेकेंडरी चेंज होगा, और कार्बन एक्सक्लूड करने पर सफिक्स सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। ओके तो अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है जो इसी तरह का है, दैट इज साइनाइड।
ठीक है, तो इसका कॉमन जो नेम है दैट इज साइनाइड, बट सफिक्स सेकेंडरी जब काम में लेंगे तो इसे नाइट्राइल लिखते हैं या कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। ओके, तो नाइट्राइल कब लिखते हैं? नाइट्राइल हम लिखते हैं तब जब कार्बन मेन चेन का पार्ट होता है, व्हेन कार्बन इन मेन चेन। तो ये कार्बन अगर मेन चेन का पार्ट है तो हम इसे नाइट्राइल लिखेंगे। ओके, और जब ये कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है तो हम इसे कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन। ओके, और अगर इसे प्रीफिक्स में लिखना पड़ता है तो इसे यूज करते हैं साइनो, तो साइनो की तरह हम लिखते हैं अगर प्रीफिक्स लिखते हैं तो। ठीक है, तो जब कार्बन मेन चेन का पार्ट होगा तो नाइट्राइल, जब नहीं होगा तो कार्बोनाइट्राइल, और एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे तो साइनो लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर, जैसे इसमें अगर अपन नंबरिंग करते हैं तो ये मेन चेन का पार्ट है, मेन चेन का पार्ट है, जो वर्ड रूट है ये हो जाएगा प्रॉप इन, और अगर मेन चेन का पार्ट है तो हम यूज करेंगे नाइट्राइल, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन वन नाइट्राइल। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, ओके, तो इसकी अगर हमें नेमिंग करनी होगी तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो नाम इसका हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। ओके, दोनों कार्बन आइटम मेन चेन में इंक्लूडेड हैं, इसलिए हम इसको नाइट्राइल लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, ओके, तो इस तरीके के कंपाउंड्स को नॉमनक्लेचर करने में इसको इस तरह से मेंशन करेंगे, 2-methyl-butane 1,4-dinitrile। ओके, ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग इस पर अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें अगर अपन देखें इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, ओके, और जो नेम होगा इसमें हम नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, तो नेम विल बी स्पायरो 3.4 ऑक्टेन
6.7 डाई कार्बोनाइट्राइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी साइक्लो प्रोपेन 1.2.3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी साइक्लोहेक्स एन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1.2, एक्स के और ए के बीच में कोई गैप कोई डैश नहीं आएगा, ठीक है, स्पेस प्रॉब्लम से मैं नीचे लिख रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन 1.2 डाई कार्बोनाइट्राइल। ओके, एग्जामिनेशन का जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव है, तो अगर आप ये पूरे नाम नहीं भी लिख पाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी रहेगा, क्योंकि आपको जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अगर अपन देखें तो इस तरह से, अगर अपन यहां से नंबर देते हैं इथाइल को 2 मिलेगा, और यहां से देते हैं तो 2 मिथाइल को मिलेगा, अल्फाबेटिकली इस तरह से नंबरिंग हम करेंगे, तो यहां आ जाएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन 1, पेंटेन। तो अगर अपन इसमें नाम लिखते हैं तो यहां पर एक और प्रीफिक्स हमें लिखना पड़ेगा, ओल्ड नोमेनक्लेचर है, एंड दैट विल बी साइनाइड, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 3 साइनो, जो सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है, एंड पेंटेन 1.5 डाई नाइट्राइल। बट दिस नोमेनक्लेचर इज ओल्ड नोमेनक्लेचर, यहां पर अगर अपन क्या कर रहे हैं, इसको प्रीफिक्स की तरह ले जा रहे हैं, साइनो, इसको इथाइल, इसको मिथाइल, तो साइनो को सबसे पहले लिख दिया, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, पेंटेन 1.5 डाई नाइट्राइल, ठीक है। लेकिन अगर न्यू नोमेनक्लेचर देखें तो न्यू नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम इन तीनों को बाहर रखते हैं, और अगर बाहर रखते हैं तो जो नेमिंग है, सॉरी नंबरिंग है, वो इस तरह से होगी। तो अब ये तीनों ही जो साइनाइड से बाहर है और नाइट्राइल की तरह नहीं, कार्बोनाइट्राइल की तरह काम में लिए जाएंगे, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी हेक्स एन 2.3.4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। सो दिस इज न्यू नोमेनक्लेचर एंड दिस इज ओल्ड नोमेनक्लेचर। ओके, तो इसका अगर अपन नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो यहां से मेन चेन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, यहां पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई एक ऐसा है जो प्रीफिक्स में जा रहा है, यहां पर हम मेन चेन में इंक्लूड करेंगे ही, तो ये कोई ऐसा नहीं है जो प्रीफिक्स में जा रहा है, तो अगर इसमें 3 थे तो एक तो प्रीफिक्स में जा रहा था इसलिए सबको बाहर कर दिया, लेकिन इसको हम मेन चेन में लेंगे और नाइट्राइल की तरह काम करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2 मिथाइल हेक्स 3-1 नाइट्राइल। ओके, इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे, इसको लिखेंगे हम साइनोमिथाइल, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में आएगा, कॉम्प्लेक्स है, 2 साइनोमिथाइल साइक्लोहेक्स इन 1.3 डाई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, इस तरह से नेमिंग करेंगे। सो दिस इज 2 साइनोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1.3 डाई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल इज अ सफिक्स सेकेंडरी, साइनोमिथाइल इज अ प्रीफिक्स, साइक्लोहेक्स इज द वर्ड रूट, एन इज द सफिक्स प्राइमरी। ओके, सो एन इज द सफिक्स प्राइमरी, साइक्लोहेक्स वर्ड रूट, साइनोमिथाइल प्रीफिक्स, कार्बोनाइट्राइल इज सफिक्स सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 22, तो यहां से अगर अपन देखते हैं तो ये है 1.1 डाई मिथाइल, ठीक है, और ये है इथाइल, तो हम इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स है ये, और यहां से हम इसकी कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग करें, सो दिस इज 1.1 डाई मिथाइल
इथाइल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नाम 1.1 डाइमिथाइल इथाइल, फिर 3 इथाइल। तो कॉम्प्लेक्स की जो नेमिंग है इसमें डी और ई आ रहा है, तो डी को हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, क्योंकि जो हम इसको मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं बेस ट्रेस उसको हम अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं करेंगे, और इसका पूरा नाम डाइमिथाइल इथाइल है, तो हम अल्फाबेटिकली डी को और इथाइल में ई को कंसीडर करेंगे, इसलिए मैंने उसे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा अगर मल्टीपल में होता तो बेस ट्रेस आते हैं, तो बेस ट्रेस टेट्राकीज इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1.4 डाई नाइट्राइल, ओके 1.4 डाई नाइट्राइल, ठीक है। यहां अगर अपन देखें ये स्पायरो कंपाउंड है, पहले स्मॉलर रिंग फिर बिगर रिंग, इसका नाम हो जाएगा 7 साइनोमिथाइल, ठीक है, स्पायरो 3.5 नोनेन 6.8 डाई, क्या होगा, नाइट्राइल या कार्बन नाइट्राइल, कार्बन बाहर है तो इसको हम लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, कार्बोनाइट्राइल। तो हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड दोनों ही ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड दोनों में दो तरीके के सफिक्स सेकेंडरी काम में लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड में हम लेते हैं नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स लेते हैं कार्बोक्सी और साइनाइड में हम लेते हैं साइनो, ओके। तो जब कार्बन इंक्लूड हो जाता है मेन चेन में तो साइनाइड्स में हम लेते हैं नाइट्राइल, और जब नहीं हो पाता है तो लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, ओके। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड इज ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इंक्लूडेड है, तो ऐसे में जब हम सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं तो दो सफिक्स सेकेंडरी लिख सकते हैं अल, और हम काम में ले सकते हैं कार्बेल्डिहाइड। अल हम तब लिखते हैं जब मेन चेन में जो कार्बन है ये इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, और अगर कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, तो हम लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, एज ए प्रीफिक्स हम लिखते हैं फॉर्माइल, ओके, एज ए प्रीफिक्स अगर लिखना पड़े तो हम फॉर्माइल लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इस लेक्चर का 23rd क्वेश्चन है, तो इसमें अगर अपन देखें इसका बहुत सिंपल कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नाम क्या हो जाएगा, ओके, तो इसका 24th क्वेश्चन है, प्रॉप एन वन अल और ई को हम हटा देंगे, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर कार्बन एटम्स दोनों मेन चेन में आ रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1.2 डाई अल, ठीक है, ब्यूटेन 1.2 डाई अल। या इस तरीके से अगर अपन देखें साइक्लिक में अगर आ जाता है, मल्टीपल नंबर में है, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से नेमिंग करते हैं, नंबरिंग इस तरह से होगी, नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स एन 1.3। अब क्या लिखें, ये आउट चला गया मेन चेन से, तो इसको अल नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, डाई कार्बेल्डिहाइड।
जैसे कि हम बात कर चुके हैं लेटर्स के बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए. सो नेम साइक्लोहेक्स 1,3 डायकार्बेल्डिहाइड. ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, ये अटेम्प्ट करें. ओके, इस क्वेश्चन का क्या नाम होगा? इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव एंड सिक्स, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3,3 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्स 1 कार्बेल्डिहाइड. ओके, तो साइक्लो हेक्स एन 1 कार्बेल्डिहाइड. ओके, इस क्वेश्चन में देखें अगर अपन, नंबरिंग इस तरह से होगी. सो टू प्रोपाइल प्रोप एन 1,2 क्या लिखेंगे? डायल, ठीक है. सो टू प्रोपाइल प्रोपेन 1,2 डायल. इसका अगर अपन देखें नॉमनक्लेचर, ठीक है, तो इसके नाम में हम इस तरह से मेंशनिंग करेंगे, स्पायरो 3,4, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8, ऑक्टेन 6,7 डाई, क्या लिखेंगे? कार्बेल्डिहाइड, डाय कार्बेल्डिहाइड. ओके, क्वेश्चन नंबर 30, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी साइक्लोप्रोप एन 1,2,3 ट्राई, क्या लिखेंगे? अल या कार्बेल्डिहाइड. इसमें कार्बन एक्सक्लूडेड है तो हम क्या लिखेंगे? कार्बेल्डिहाइड. ओके, क्वेश्चन नंबर 31, ओके, इसमें सारे सी डबल बॉन्ड एच मेन चेन में आ जाए पॉसिबल नहीं है, और इसका जो नॉमनक्लेचर होगा, ठीक है, हम इसे मेंशन करेंगे 2 कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी नहीं लिखेंगे, फॉर्माइल है ये, तो इस पूरे ग्रुप को लिखेंगे हम फॉर्माइल, और इसको लिख सकते हैं फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोहेक्स एन 1,3 डाई, क्या लिखेंगे? कार्बन एक्सक्लूडेड है तो कार्बेल्डिहाइड. ओके, सो 2 फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोहेक्स एन 1,3 डायकार्बेल्डिहाइड. ओके, एक और तरीके से इसको नाम लिख सकते हैं, इसे यहां से स्टार्ट कर दें और ये ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो इसको 2 फॉर्माइल मिथाइल की जगह पर मेंशन ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ऑक्सो इथाइल, ठीक है, 2 ऑक्सो इथाइल, मतलब 2 कार्बन है इसलिए इथाइल है, और सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन है इसलिए 2 ऑक्सो इथाइल, या 2 फॉर्माइल मिथाइल इज आल्सो
करेक्ट ओके. तो ये तो बातचीत हुई एल्डिहाइड के लिए. अब हम डिस्कस करते हैं एक और फंक्शनल ग्रुप जो इसी तरीके से नेम किया जाता है या जिसमें कार्बन इंक्लूडेड होता है. एंड द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज द फोर्थ नंबर. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमने डिस्कस किया साइनाइड, फिर हमने डिस्कस किया एल्डिहाइड. अब हम डिस्कस करते हैं अमाइड. तो अमाइड भी ऐसा ही फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन मेन चेन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. तो इसके भी दो सफिक्स सेकेंडरी काम में लिए जाते हैं. तो सफिक्स सेकेंडरी जो काम में लिए जाएंगे, एक होगा अमाइड और एक होगा कार्बामाइड. कार्बामाइड तो अमाइड कब लेते हैं? जब कार्बन मेन चेन में होता है. व्हेन कार्बन इन मेन चेन. और जब कार्बन मेन चेन में नहीं होता है, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन. नॉट इन मेन चेन तो हम कार्बामाइड लेते हैं. ओके. और एज ए प्रीफिक्स जब हमें लिखना पड़ता है इसे, तो हम यूज करते हैं कार्बामोइल. ठीक है, तो तब काम में लेते हैं कार्बामोइल. ओके. तो इसकी नेमिंग हम करते हैं. ठीक है, कुछ बड़े आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, सी डबल बॉन्ड और NH2. एंड नेमिंग इस तरह से हो जाएगी, प्रॉप एन वन अमाइड. और ई को हम यहां से हटा देंगे. ठीक है, तो प्रोपेन वन अमाइड. ओके. तो इसकी अगर अपन नेमिंग करते हैं, यहां पर भी अमाइड ही काम मिलेंगे और नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे. तो नाम हो जाएगा 4.4 डाइमिथाइल. ओके, 4.4 डाइमिथाइल हेक्स 2-in-1 अमाइड. और ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे. ठीक है, 2-in-1 अमाइड. क्वेश्चन नंबर 34. ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से करें. ओके, क्वेश्चन नंबर 34. इस तरह से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर. सो सेकंड पोजीशन पर ब्यूटाइल, 3 कार्बन एटम, तो वर्ड रूट प्रॉप एन 1.2 डाई. ठीक है, कार्बन हमने मेन चेन में इंक्लूड कर लिए हैं, तो हम इसे अमाइड लिखेंगे, अमाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट और फोर्थ पर अमाइड. ठीक है, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन इंक्लूड नहीं किया है.
कार्बामाइड होगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स, ओके, 1.4 डाय कार्बामाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से नंबरिंग करेंगे, सो नाम हो जाएगा 2.2 डायमिथाइल, ओके, हेक्स 3-1-amide, और ई शायद ई हम यहां से हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ई के बाद ए आ रहा है तो ये हटा देंगे। तो यहां से अगर अपन स्पायरो इसकी नेमिंग करते हैं, ओके, तो नाम हो जाएगा स्पायरो 3.4 हेक्स, ओके, स्पायरो 3.4 हेक्स 6-ene, ठीक है, स्पायरो 3.4 हेक्स 6-ene, ठीक है, 6 कार्बामाइट, ठीक है, स्पायरो 3.4 6 हेक्स 6-ene 6 कार्बामाइट, ओके। इसकी अगर अपन नेमिंग करते हैं तो आ जाएगा हेक्स 3-ene-1-amide, और इसको ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, साइक्लो प्रोप एन 1.2.3 ट्राई कार्बामाइट, ठीक है, ट्राई कार्बामाइट। क्वेश्चन नंबर 40, साइक्लो ब्यूट 1-ene, ठीक है, 1.2 डाई कार्बामाइट, डाई कार्बामाइट। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सी डबल बॉन्ड हो, सी एल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, सी एल, बी आर, या ठीक है, आई या एफ, तो इनको क्या बोलते हैं हम, एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स। जैसे क्लोरीन अगर है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन है आयोडाइड, और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड्स, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन है, ये भी डॉन ग्रुप्स होते हैं, और सफिक्स सेकेंडरी जब हम काम में लेते हैं, सफिक्स सेकेंडरी, तो दो तरीके से इसके नाम लिख सकते हैं, एक ऑयल हैलाइड, जैसे ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड, या फिर ऐसे भी नाम लिख सकते हैं कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, कार्बोनिल आयोडाइड। तो यहां पर अगर अपन इसमें देखें, ये कब लिखेंगे, व्हेन कार्बन नॉट, सॉरी, व्हेन कार्बन इन मेन चेन, तो मेन चेन का पार्ट अगर बन गया तो क्या लिखेंगे, ऑयल हैलाइड, और व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन, तो हम नाम क्या लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। एज ए प्रीफिक्स जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं हैलो फॉर्माइल, हैलो फॉर्माइल, ठीक है, मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमीन ब्रोमोफॉर्माइल, आयोडीन आयोडोफॉर्माइल, फ्लोरोफॉर्माइल, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ओके, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है COCl, दैट इज एसिड क्लोराइड, नाम हो जाएगा वर्ड रूट ब्यूट एन 1 ऑयल क्लोराइड, और ई को हम यहां से हटा देंगे, ओके, ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे। इसमें अगर अपन देखें ओके, तो इसकी नेमिंग हम करते हैं, दो ग्रुप्स हैं तो इसको हम दोनों को मेन चेन में ले सकते हैं एक साथ,
और मेन चेन में ले सकते हैं, तो नाम इसका हो जाएगा 2-methyl pentane 1,5-di, ठीक है, ओइल क्लोराइड, क्योंकि हम इसे मेन चेन में ले पा रहे हैं, और अगर मेन चेन में ले पाते हैं तो ऑयल हैलाइड लिखते हैं, नहीं ले पाते हैं तो कार्बोनिल हैलाइड लिखते हैं, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43, यहां पर अगर अपन डिस्कस करें, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इस तरीके से नेमिंग होगी, ठीक है, नंबरिंग इसको सबसे स्मॉल मिलेगी, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2-ene-1-carbonyl-bromide, ठीक है। इसकी अगर अपन नेमिंग करते हैं तो नाम इसका होगा 2,2-dimethyl-butane-1-oil-chloride, ठीक है, ई को हम यहां से हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा पेंट 2-ene-1-oil-chloride, ई को हटा देंगे। ओके, इसमें अगर अपन देखें नॉमेनक्लेचर तो नाम होगा साइक्लो ब्यूट एन 1,3-di-carbonyl-chloride, ठीक है, डाई कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, इसके लिए अगर अपन नेमिंग करें, ठीक है, तो कार्बो इसके अंदर हमें ऑयल ब्रोमाइड नहीं लिख सकते, कार्बोनिल ब्रोमाइड लिखना होगा, नाम इसका हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1,3,5-tri-carbonyl-bromide। ओके, इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें नेमिंग, ओके, तो नाम इसका हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1-ene-1,3, तो इसमें ये वाला जो ग्रुप है इसको हम कार्बोनिल ब्रोमाइड क्लोराइड की तरह नहीं लिख सकते, इसको भी हमें प्रीफिक्स में लिखना होगा। अब प्रीफिक्स में लिखने का एक तरीका है, ठीक है, क्लोरोफॉर्माइल मिथाइल ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 2-chloro, ठीक है,
टू क्लोरो टू ऑक्सो इथाइल, ठीक है। तो इसका पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा टू क्लोरो टू ऑक्सो इथाइल, और ये थर्ड नंबर पर होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे टू क्लोरो टू ऑक्सो, ठीक है, इथाइल, देन साइक्लोहेक्स वन इन, ठीक है, वन कार्बोनिल क्लोराइड, ओके। इसका अगर अपन नेमिंग करते हैं तो इन तीनों को हम एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से नेमिंग करते हैं, तीनों ग्रुप्स कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप इन वन कॉमा टू कॉमा सॉरी वन कॉमा थ्री ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, ओके। ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमने डिस्कस किया साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, ठीक है, और अब हमने डिस्कस किया था उसके बाद अमाइड, फिर हमने डिस्कस किया एसिड हैलाइड, ठीक है। तो हमने सिक्स फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए, एसिड, साइनाइड, एल्डिहाइड, अमाइड और एसिड हैलाइड। अब हम डिस्कस करते हैं सेवेंथ एस्टर, ओके। तो एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हम कुछ इस तरह से लिख पाते हैं, यहां पर भी अल्काइल ग्रुप होता है और यहां पर भी अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड H रहेगा तो एसिड होगा, यहां पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो ये एस्टर होगा, ठीक है। तो एस्टर का नाम थोड़ा सा अलग है, एस्टर का नाम हमेशा शुरू होता है अल्काइल के नाम से, तो ये अल्काइल है R2, इसके नाम से शुरू होगा, ओके। इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं दिया जाएगा क्योंकि कार्बन से एसोसिएटेड नहीं है, तो इस अल्काइल का कोई नंबर नहीं होगा, मगर स्टार्टिंग इसी से होगी। यहां पर अगर अपन देखें सफिक्स सेकेंडरी जो होगा वो दो तरीके से काम में ले सकते हैं, ओएट और कार्बोक्सिलेट, ओके। तो ओएट जो होगा तब लिया जाएगा व्हेन कार्बन इन मेन चेन, तो कार्बन जब मेन चेन में होगा तो ओएट लिखेंगे, और जब कार्बन मेन चेन में नहीं होगा व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन तो हम क्या लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, ओके। तो इसके प्रीफिक्सेस वगैरह क्या काम में लेते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, और इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर का 50th क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर अपन देखें बहुत बेसिक क्वेश्चन से फर्स्ट एस्टर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की जो ओ से जॉइंड है उससे नाम की स्टार्टिंग होगी, तो ये हो जाएगा मिथाइल, ठीक है, टू कार्बन आइटम्स मेन चेन में है, वर्ड रूट इथ एन, कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड है तो क्या लिखेंगे ओएट, ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे यहां से, ठीक है। सो मिथाइल मिथेन वन ओएट, तो इसकी अगर अपन नेमिंग करते हैं नाम यहां से शुरू करेंगे मिथाइल, फिर यहां से जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, तो ये मिथाइल अलग से लिखा जाएगा, डाई मिथाइल करके नहीं लिखेंगे इसे, क्योंकि ये मिथाइल ओ से जुड़ा हुआ है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये मिथाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट मिथाइल है, इसलिए दोनों को लिखेंगे। अगर ये दोनों मिथाइल कार्बन से जुड़े होते तो डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल, इस तरह से हम मल्टीपल लिख सकते थे, बट इसी तरीके से नाम आएगा मिथाइल स्टार्ट होगा ओ से जुड़े हुए ग्रुप से, मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन वन ओएट, और ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग।
ओके फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 52nd क्वेश्चन, इसमें यहां से नाम स्टार्ट होगा, तो इसका नाम हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, यहां से स्टार्ट करेंगे, या इसको 1-methyl-ethyl भी लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम हो जाएगा इथेन 1-OH, ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे, ओके, सिंगल बॉन्ड ओ से जो जुड़ा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल, यहां से स्टार्ट करेंगे, ओके, अब इसको मेंशन करेंगे हम 2-methyl, यहां पे देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको पहले ही लिखना है, जो ओ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उस अल्काइल ग्रुप को नाम में सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे, सो मिथाइल प्रोपाइल 2-methyl ब्यूटेन 1-OH और ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे, ठीक है, इसमें साइक्लोहेक्साइल सबसे पहले आएगा, ओके, तो नाम इसका हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल इथेन 1-OH, ठीक है, ई स्ट्राइक आउट हो जाएगा, ओके, तो हम डिस्कस करते हैं और नाम, इसको कब कार्बोक्सिलेट हम लिख पाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंपाउंड आपको दिया जाए, तो मेन चेन अगर मैं इसको लेता हूं तो यहां कार्बन इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं, नाम शुरू होगा सिंगल बॉन्ड ओ से जो जुड़ा हुआ इससे, तो नाम हो जाएगा मिथाइल, ओके, साइक्लोहेक्सेन 1-carboxylate, ओके, जैसे और हम क्वेश्चंस करते हैं, इसमें भी देखिए मेन चेन में हम कार्बन इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो नाम शुरू होगा मिथाइल, ठीक है, सो मिथाइल साइक्लो हेक्स 2-in-1-carboxylate, ओके, इस कंपाउंड की नेमिंग हम करते हैं, जो ओ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसकी नेमिंग सबसे पहले करेंगे, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1-enyl, ठीक है, साइक्लो हेक्स 1-in-carboxylate, ओके, तो साइक्लोहेक्स 1-enyl, साइक्लोहेक्स 1-in-carboxylate, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ऐसे कंपाउंड्स का नॉमनक्लेचर जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, और अगर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो सबसे पहले हमने वो फंक्शनल ग्रुप्स लिए जिनमें ऑलरेडी कार्बन एटम है, इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनको डॉन ग्रुप कहते हैं, और इनके दो सफिक्स सेकेंडरी बन सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड अल कार्बेल्डिहाइड, साइनाइड नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, एसिड हैलाइड ओइल क्लोराइड कार्बोनिल क्लोराइड, अमाइड, ठीक है, अमाइड के लिए सफिक्स सेकेंडरी अमाइड और कार्बामाइड, फिर हमने डिस्कस किया एस्टर जिसके लिए ओएट और कार्बोक्सिलेट लेते हैं, सभी के लिए हमने प्रीफिक्स डिस्कस किए, सिर्फ एस्टर के लिए प्रीफिक्स डिस्कस नहीं किए, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, और हम उन मॉलिक्यूल्स का या उन फंक्शनल ग्रुप्स का नॉमनक्लेचर करेंगे जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किए ऐसे मॉलिक्यूल्स का, काफी रिग्रेसली क्वेश्चंस हमने किए, ऐसे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप था और उनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने की, आने वाले सेशंस में विल डिस्कस अबाउट दोस कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तब सफिक्स सेकेंडरी क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा,
किस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देकर के सफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. और कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस के लिए भी ठीक है अटेम्प्ट किया करें. जैसे मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर वीडियोस में बता दिए हैं, कुछ आप लोगों के पास में बुक्स हों ठीक है जिनमें और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को मिले तो वो आप लोग अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.